नमस्कार, तेज एग्रो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान दोस्तों, यहाँ पर हम खेती बाड़ी की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, बागवानी की बात हो, मशीनरी लघु उद्योग की बात और सरकारी योजनाओं से संबंधित हर तरह की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो आप तेज एग्रो को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमें आप फॉलो भी जरूर करें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसके ऊपर आप बहुत कम समय में करोड़ों रुपए की जो आमदनी कर सकते हैं, और वो खेती है पपाया यानी कि पपीता की खेती। किस तरीके से, किस महीने में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, कैसे आपको देखभाल करनी है, कितना मुनाफा आपको मिल सकता है, ये पूर्ण जानकारी आपको आज मैं देने वाला हूँ। भारत देश में कृषि जो एक तरीके से उद्योग के तौर तरीकों से रूबरू हुआ है, जिस तरीके से आज इतना लोग जागरूक हुए हैं कृषि की तरफ, उसमें अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ कर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको यहाँ एक ऐसी फल की खेती करने की जानकारी देंगे जिसका उत्पादन दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। देश में कमर्शियल रूप में महत्वपूर्ण फसलों में से एक जो फसल है वो है पपाया यानी कि पपीता की खेती। और ये जो फल है वो उच्च औषधीय और पोषण महत्व होने की वजह से इसका जो व्यावसायिक महत्व है वो और भी ज्यादा है। दुनिया में पपीते की खेती की शुरुआत दक्षिणी मैक्सिको और कोस्टा रिका से हुई, लेकिन आज हमारे देश में, भारत में, दुनिया के कुल पपीते उत्पादन में सबसे आगे है। और इसकी वजह है कि भारत का सबसे बड़ा पपीता जो उत्पादक देश इसको कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत दुनिया का कुल पपीता उत्पादन में 46% का योगदान देता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि भारत अपने पपीता के घरेलू उत्पादन का 0.08% ही एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बाकी की जो खपत है वो हमारे देश में ही हो जाती है। देश के प्रमुख राज्यों में पपीता साल भर बाजार में मिलता है, इसलिए इससे आप मोटी कमाई कर सकते हैं। कब और कैसे इसकी खेती करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। पपीते के बीज कैसे लगाए जाते हैं। यूं तो पपीते के फल को पूरे साल बोया जा सकता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पूर्वक और ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपको जुलाई से लेकर सितंबर महीने और फरवरी मार्च महीने के बीच इसके बीज बो दिए जाने चाहिए, काम कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी खेती के लिए उष्ण जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। इस पर ठंड के मौसम में पाले का ज्यादा असर होता है, ऐसे में इसकी बीज गर्म जलवायु के ज्यादा अच्छे से लगती है। पपीते के बीज को हमेशा ऐसे पपीते के पेड़ से ले जो पहले से स्वस्थ हो, जिस पेड़ से अच्छे और मीठे पपीते आपको मिलते हो, यानी कि आपको उस कैटेगरी को ध्यान रखना है। अदरवाइज आप, बहुत सारी आज नर्सरियां हैं जहां से आप बड़ी आसानी के साथ तैयार किए गए जो पौधे हैं आप वहां से ले सकते हैं। इसकी खेती करते वक्त आपको पाले, तेज हवाओं, खाद और पानी के ठहराव का ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। खेती के लिए गहरी अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, पपीते की खेती जब आप कर रहे हैं तो आपको मेड़ बनाने चाहिए, इस तरीके की आपको डोलियां तैयार करनी चाहिए जहां पर पपीते के पेड़ के साथ पानी ना लगे, क्योंकि इसकी जड़ गलने की जो प्रक्रिया वो जल्दी शुरू हो जाती है। ऐसे में ध्यान रखना है कि इसके पपीते की जो जड़ है उसके साथ पानी ज्यादा खड़ा ना हो। ज्यादा गर्मियों के मौसम में यानी कि मई जून का महीना चलता है तो आप पपीते के पेड़ की हर सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए और उत्पादन क्षमता आपको ज्यादा होगी। पपीते की खेती कितनी आपको कमाई दे सकती है, अगर आप इस बात को ध्यान से जानना चाहते हैं, सावधानी बरतकर पपीते की खेती अगर आपने की है तो जाहिर सी बात है कि हर पेड़ के ऊपर उत्पादन भी अच्छा होगा। ऐसे में हर पेड़ से आपको आसानी से 50-60 किलो पपीता मिल सकता है, आप इतना फल प्राप्त कर सकते हैं जैसे आप बाजार में बेचकर आसानी से लाखों की कमाई कर सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर जो पपीते की मांग वो हमेशा से बाजारों में रहती है। बड़े शहरों में तो इसके दाम कभी कभी सेब के दामों की भी तुलना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने खेती इस तरीके की है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप करने का इरादा सोच रहे हैं तो आप जरूर करिएगा। और पपीता जो कि पूरे 12 महीने ये फल बाजार में अवेलेबल रहता है बड़ी आसानी के साथ, और बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर ये फल है,
जो आपको बहुत अच्छी कमाई दे सकता है। आप खुद भी अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर आप खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप घर पर भी इसको पैदा कर सकते हैं। घर पर भी आप आसानी के साथ 5-10 या 10 पौधे अपने व्यवस्था के मुताबिक आप लगा सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी आप ये फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहली बार तेज अगर ऊपर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।